10,000 रुपया महीने पे बैठे हो आप, और आज के डेट में ये सिचुएशन, ये 2021 गवाह होगा आपके लाइफ में। अगर आपने कल्पना कर ली, सोचो कि मुझे 1,00,000 रुपया महीना कमाना है, सोचो कितनी बड़ी बात है आपके लेवल से, कितनी बड़ी बात है। 1,00,000 रुपया गुदगुदी सी आ गई। और जो लोग 1,00,000 रुपये पर बैठे हैं, अगर उन्होंने सपना देख लिया कि मुझे 10,00,000 रुपये कमाने हैं, तो सोचो कितनी बड़ी बात होती है। वो क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है, ध्यान से समझना। एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक विशेष बहुत कीमती है हमारे लाइफ में। जिस वक्त, जिस लम्हा हमने सोच लिया कि मुझे इतना कमाना है, वो एक सिहरन सी, और सिहरन अगर आपने नहीं उठाई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचो, पहले सोचना होगा आपको कि मुझे ये चीज़ पाना है, और जिस वक्त अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, तो लेवल 1 में आप पहुंच गए। और रुक जाइए, ये लेवल 1 यहीं ख़त्म नहीं होगा। इस तरह की महानुभूतियों की आपकी मीटिंग्स रेगुलर आपको सुनना होगा, समझना होगा, और दोस्त बनाने होंगे ऐसे लोग। आज के बाद आपको चिंदी लोगों से दोस्ती छोड़ना होगा। चिंदी लोग वो जिनके कोई सपने नहीं है, चिंदी लोग वो जो आपको डिमोलाइज करते हैं, चिंदी लोग वो जो बताते हैं कि इस कारण से यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, चिंदी लोग वो जो आपकी इस तरह से खतरनाक ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जो आपका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है, वो आपकी पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। आपको दोस्ती करनी है किससे, जिससे आपको सीख। आपको दोस्ती करनी होगी उन लोगों से जो आपसे 50 टाइम ज़्यादा कमाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे दोस्त आपके बनेंगे। तो आपको दोस्ती करनी है अपने ऊपर वाले लेवल से, और ऊपर वाले लोग आपके दोस्त कभी नहीं बनेंगे। लेकिन एक जगह है दोस्तों, जहाँ उनसे दोस्ती की जा सकती है, उनकी किताबें पढ़ के। धीरू भाई अंबानी की तमाम किताबें हैं जो मार्केट में फ्री मिल रही है। लगातार आप धीरू भाई के संपर्क में रहें तो आप क्या हो जाए, सोचो। आज अगर आपको कोई भी बुरी लत है, सिगरेट पीने की, तो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि आप सिगरेट पीने वाले के साथ रहते हैं। और होता क्या है कि एक नए दिन चलो यार थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं। क्यों है? क्योंकि आप, हमें उसमें मज़ा आता है, और हम वैसे लोगों के साथ रहते हैं। तो मज़े लेने के लिए ज़िंदगी मत करिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी के अगर आप मज़े लेंगे, तो ज़िंदगी एक दिन आपके मज़े लेंगे, और आप जो हैं वही बन के रह जाएंगे। और इस लाइन के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कहावत एक बहुत शानदार शख्स ने कही है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गुनाह क्या है? गरीब मर जाना। तो गरीब मरना मत दोस्त, अमीर मरना, कुछ बन के मरना है।